हाँ कंटिन्यू इसी पे एनी डेस्क पे करना पड़ेगा हमें, अच्छा क्योंकि उसमें दिक्कत चल रही है मुझे, उसका कुछ पे करना पड़ेगा, 15 15 हज़ार का समथिंग। हेलो, हेलो, हाँ जी भैया, अभी हम डेमो कंपनी बनाए ना, एक काम करिए मैं अपने नंबर से कॉल करता हूँ, उसकी आवाज़ बड़ी धीरे आ रही है। हाँ कोई नहीं, आप अपने नंबर से मेरे नंबर पे कॉल कर लो, इसी नंबर पे करना। ठीक, फिर क्या मैं वीडियो भी दे सकता हूँ आपको, वीडियो रिकॉर्ड करके। तो आपका आईडी दे दो। हाँ मेरा आईडी ले लो आप एनी डेस्क का, उसमें क्या आपको क्लियर दिखेगा और मैं यहाँ से क्लियर तरीके से बना सकता हूँ वीडियो। आप तो मैंने एनी डेस्क का वन ले लो। हाँ मेरा आईडी लिखो 599। एक मिनट, आप एनी डेस्क पे ले लो, जो जो पर्सन आप कनेक्टेड हो ना आपने अपने कंप्यूटर पे ले लो मेरे को एनी डेस्क पे। नहीं अभी आप मेल है अपनी एनी डेस्क दोगे क्या दोगे मुझे? मैं अपने एनी डेस्क का आईडी दे रहा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पे बिजी क्रिएट करके आपको डेमो दिखाता हूँ। ठीक है तो आप अपने वो दो एनी डेस्क का आईडी, आईडी है 599 ओके 620 ओके 468 हाँ जी 599 620 468 लिखो आप 599 620 468 668 हाँ ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया मैंने, आ गया। ठीक है जी, हाँ जी, अब मैं आपको देखो ये CRM जो है ना मेरे में ही लॉगिन है और मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं फीचर बता देता हूँ बिजी के, जो ये बिजी के फीचर होते हैं। हेलो, हाँ एक और दिया एक और, कोई नहीं आप उनको भी कनेक्ट कर लीजिए। आ गया, हाँ जी बताओ। ठीक है, अब सबसे पहला जो पॉइंट बनता है आपका, सबसे पहला पॉइंट क्या बनता है, आप सेल्स से रिलेटेड प्री सेल्स CRM की रिक्वायरमेंट है आपको या पोस्ट सेल CRM? दोनों की रहेगी ना, तो हमारे पास इंक्वायरी सपोर्ट दोनों सिस्टम अवेलेबल है, तो दोनों सिस्टम को मेंटेन करने के लिए मैं बता देता हूँ। देखो अब मैं पहला ट्रांजेक्शन इसमें डालूंगा, एक एंट्री पास करता हूँ मैं CRM के अंदर। अभी सबसे पहले मैं देख लेता हूँ मेरे उसमें एंट्री तो नहीं है कोई, अभी मेरे सिस्टम में कोई एंट्री नहीं है, मेरा CRM बिल्कुल अभी बिल्कुल ब्लैंक, इसमें कुछ एंट्री पड़ी पहले की, कोई दिक्कत नहीं है, 3 ट्रांजेक्शन है। मैं यहाँ से न्यू एंट्री पास करता हूँ, आज 2 तारीख है, मेरी एंट्री है न्यू इंक्वायरी आई किसी कस्टमर की, सपोज करो मेरे पास जो न्यू इंक्वायरी आई है आर के जैन एंड सन्स के नाम से एक इंक्वायरी आई है मेरे पास, मैं अपने उस पर डेमो दे रहा हूँ आपको प्रोडक्ट पे। हेलो, हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो सॉफ्टवेयर, जैसे मैं सॉफ्टवेयर बेचता हूँ तो मेरे पास टैली की एक इंक्वायरी आई। हेलो, और ऑलरेडी जस्ट डायल के थ्रू इंक्वायरी आई, रिसीव मैंने करी, मैंने यहाँ पे डाल दिया टैली सॉफ्टवेयर, मल्टी यूजर की इंक्वायरी है एक पीस की, जो भी है मैंने उस पर उसकी जानकारी ली, ABCD वो लिख ली, उसको जो सॉल्यूशन दे दिया वो मैंने यहाँ से सॉल्यूशन दे दिया। उसके बाद देन यहाँ से आता फाइनल स्टेटस, उस कॉल का स्टेटस डालना है, ये कॉल ओपन है अभी, कंप्लीट नहीं हुई कॉल, एक्टिव कॉल है, एक्टिव कॉल के साथ साथ इसके यहाँ पे विजिट होगी डेमो की। ठीक है, एक्शन में मैंने बोला जी, उस कस्टमर को मैंने बोला आपके यहाँ विजिट कराऊंगा मैं, डेमो करा देता हूँ सॉफ्टवेयर का। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन,
नेक्स्ट एक्शन में हम लिख सकते हैं उसको कॉल, कॉल एक पे। एक्शन अभी कोई नाम क्रिएट कर सकते हैं जैसे ऑटो डिफॉल्ट आ रहे हैं, इसके अलावा भी? हाँ, इनके अलावा भी हम नाम क्रिएट कर सकते हैं F3 से, यहाँ पर F3 से यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये 2:16 पे ये मेरे पास कॉल आ गई। ठीक है जी, कॉल का जो हमारे पास देखो वाउचर बना हुआ, इस तरीके से कोई भी वाउचर आप डिज़ाइन करा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें आपका लोगो आ जाएगा, सब आ जाएगा, कॉल की इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर को इमीडिएट चली जाएगी यहाँ से मेल के थ्रू। आप चाहते हो यहीं से व्हाट्सएप भेजना, व्हाट्सएप भी भेज सकते हो, मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, यहाँ से व्हाट्सएप का ऑप्शन भी आता है। आप इसमें 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 पीआरएन में ये चाहता हूँ, मेरे पास किसी की कॉल आई, ठीक है, उसकी डिटेल, ईमेल आईडी डाल दी या मोबाइल नंबर डाल दिया, तो आप ईमेल आईडी मार के सकते हैं, मोबाइल नंबर नहीं तो ईमेल आईडी उसको रिफर चला रहे कि उसका ये रेफरेंस नंबर जनरेट हो रहा है उसकी कॉल के अगेंस्ट। हाँ ठीक है, रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा उसकी, मेल पे मेल करनी है। ठीक है तो उसको बेहतर रिस्पॉन्स भी चला जाए कि अभी आपने कॉल की थी, जो भी है कि फर्दर रिस्पॉन्स चला जाए, एक्नॉलेजमेंट चली जाए उसको। हाँ, एक्नॉलेजमेंट जाएगी ना उनको, जैसे ही आप कॉल रिसीव करेंगे और जो एक्शन आपके एग्जीक्यूटिव ने लिया जो कॉल रिस्पॉन्ड कर रहा है उनको, तो उसके अगेंस्ट जो भी कार्रवाई हुई है वो उसको रिस्पॉन्स मिल जाएगा मेल के थ्रू, और कस्टमर को भी क्लियरिटी आ जाएगी कि जी उन्होंने मेरे को। हाँ बिल्कुल सर, देखो यहाँ पे कस्टमर का मेल आईडी डल जाएगा, कस्टमर का मेल आईडी जैसे ही आप डालोगे तो यहाँ से मेल चली जाएगी। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मेल भेज के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मेल डाल दिया मैंने, और जैसे ही मैं ये इंक्वायरी रिसीव कर रहा हूँ, मैंने सेव किया, मैं यहाँ से इसको पोस्ट कर देता हूँ मेल। वैसे वो डिफॉल्ट वाला भी सिस्टम कर सकते हैं, मेल चला जाएगा इस तरीके से। ठीक है जी, ये मेल देखो सक्सेसफुली दिखाएगा, मेल सक्सेसफुली हो गया। मैं आपको इसका रिकॉर्ड दिखा देता हूँ मेल पर, मेल मेरा यहाँ लॉगिन है, और ये देखो यहाँ से, एक सेकेंड, ये देखो यहाँ पे ये आपको फॉर्मेट कस्टमर को चला जाएगा। ठीक है जी, जो भी आपकी रिस्पेक्टिव इन्फॉर्मेशन है, जो भी लिंक है, वेबसाइट डिटेल, बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ से चली जाएगी। एक चीज और पूछनी है। हाँ, कॉल आई किसी की, ठीक है, आप उसमें कस्टमर ने बोला हमें ये बनाना 10 पीस का, जैसे आपने बोला टैली, टैली मुझे 10 पीस चाहिए, इसका कोड दे दो। ठीक है अब कोटेशन तो मैं अलग जाके बनाऊंगा, कोटेशन आप अलग जाके बनाएंगे, हम कोटेशन को इससे लिंक कर सकते हैं। हाँ, ये कोटेशन इससे लिंक करूंगा ताकि उसको अगर कॉल रिसीव जाए तो अगर कोटेशन भी चला जाए या उसको जनरेट भेजना पड़ेगा। तो कोटेशन किस कॉल के व्याप पे गई उसका एक वो होता है, मैं बता देता हूँ। जैसे आपने ये नंबर लिया, आपका कॉल नंबर ये है ना, कॉल नंबर ये, हम क्या इसको इंटरलिंक करेंगे कोटेशन से, तो यहीं पर एक बटन दबाएंगे, मैं बता देता हूँ कोटेशन का क्या आपको दबाना पड़ेगा। हमारी अटैचमेंट खूब जाएगी, कोटेशन जाएगी, इनवॉइस जाएगी, परफॉर्मेंस इनवॉइस जाएगी। तो अगर कोई भी इंक्वायरी आती है कि भाई मुझे 10 पीस का प्राइस दे दो चाहिए, चीज दिखा देता हूँ कोटेशन का, ओल्ड क्यू के साथ मैंने एक शॉर्ट की बनाई, ओल्ड क्यू नहीं ओल्ड वन के साथ बना देता हूँ। ओल्ड कंट्रोल वन, ओल्ड कंट्रोल के साथ में मैंने ये मैंने एक शॉर्ट की बना दी आपकी, आपका स्टाफ ना आपके इसके अंदर अवेलेबल है, उसने वो डाल दी, कस्टमर ने बोला मुझे इमीडिएट कोटेशन चाहिए। हेलो, कस्टमर ने बोला मुझे कोटेशन चाहिए, आप कोटेशन दे दो, अगर आपका स्टाफ हाथों हाथ कोटेशन भेजना चाहता हो तो यहाँ पे ओल्ड कंट्रोल वन बटन दबाएगा। ठीक है, ओल्ड कंट्रोल, जैसे इसको सेव करेगा, दो ही ऑप्शन होगा, या तो उसमें हम लिखेंगे कि कोटेशन हम बाद में भेजेंगे, या जो भी इनवॉइस जो भी है उसको बाद में भी भेज सकते हैं, या तुरंत भेजेंगे, दो ही ऑप्शन होगा। बिल्कुल बिल्कुल,
तो यहाँ पे आप कोटेशन भेज सकते हैं, यहीं से ही ऊपर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से बटन दबाएंगे कोटेशन बन जाएगी। मैंने डाला था आर के, मैं इसको लिंक कर दूंगा अभी, एक्चुअल में ये मैनुअल डाल रहा हूँ मैं लिंक कर दूंगा, और उसका रेफरेंस नंबर या आपका कॉल का रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, वो दोनों इंटरलिंक हो जाएंगे आपस में। हाँ मतलब बेसिकली मेरा ये है कि मैं 10 मिनट तो क्यों करूँ, मेरा एक्शन तो किसी से ही हो रहा है, तो हाँ मैं जी, एक हाँ जी मिनट में अपना कुछ शॉर्टकट यूज करूँ, मैं सीधा फोन पे पहुंच जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं शॉर्टकट यूज करूँ, मैं सीधा कस्टमर ने बोला भाई मुझे इनवॉइस भेज दो, वाला इनवॉइस निकला और वही के वही इनवॉइस अटैच करूँ भेज दो। बिल्कुल, सीआरएम तो उस कंडीशन में आपका कोटेशन जनरेट हो जाएगा, और कोटेशन भी हाथों हाथ उस कस्टमर को इमीडिएटली मेल हो जाएगा, आपको दोबारा मेल आईडी डालने की जरूरत नहीं है। हां इससे मेरा क्या है ना, मेरा टाइम भी बचेगा ना, टाइम बचेगा, बिल्कुल टाइम भी बचेगा, फिर सीआरएम का मुझे फायदा नहीं होगा। सर टाइम बचेगा सीआरएम में हमारे, हम तो इसी को यूज करते हैं, देखो हमने तो कोई और चीजें यूज नहीं कर रखी, हम तो इसी को यूज करते हैं और इसी से काम कर लेते हैं। जैसे ही आप कोटेशन भेजोगे, देखो कितने यूजर यूज कर सकते हैं सर, मल्टी यूजर में 25 यूजर तक यूज कर सकते हैं, देखो कोटेशन भी चलेगी सर उनको। देखो परफॉर्मा इनवाइस चला गया ना, नहीं जैसे मेरे 3 लोग अलग अलग बैठ के काम कर रहे हैं, वो अपना एंट्री करते रहे कॉलेज शिफ्ट की, सबके पास अलग अलग इंक्वायरी आती है। हाँ पॉसिबल है, पॉसिबल है सर, सर यही कर रहा हूँ मैं, जो चीज़ आप कह रहे हो ना वही कर रहा हूँ, मेरा भी ऐसे ही होता है काम, हम भी कॉल रिसीव करते हैं फिर उसके बाद देन कोटेशन देते हैं, वो रेफरेंस नंबर हम जनरेट कर लेते हैं जो कॉल का नंबर होता है। हाँ जैसी वो कोटेशन भेजेंगे, हमने कॉल एलोकेट करी, पता क्या किसी किसी कंपनी में कॉल एलोकेट होती थी, कोटेशन भेजने वाला बंदा मेरा कोई और है, तो अमित राठौर ने कॉल भेजी, देखो कोटेशन भी मैंने भेजी, तो मैंने हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 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 जी, ऐसे ही होना है। अभी देखो अन एलोकेटेड कॉल आ जाएगी यहाँ पे, मैंने कॉल का नंबर डाल दिया, मैंने वही डाला आर के जैन, उसकी कॉल का यहाँ पे पूरा कम्प्लीटली आ गया, देखो ये रहा ना एलोकेशन, एक सेकेंड शो, मतलब मेरा पर्पज ये है कि मान लो मैं ये सॉफ्टवेयर, सुनिए सर, मैं कोई अपने मुंबई के स्टाफ को देता हूँ कि वो उस पर सीआरएम इसका यूज करे, ठीक है, अब उसको वहाँ का मैंने डेटा दे दिया, सपोज करिए मैंने वहाँ के 25 कस्टमर उसको दिए, ठीक है, अब वो हर नंबर पे कॉल कर रहा है, और कुछ मान लीजिए 20 नंबर पर उसने कॉल करी, 5 नंबर पे कस्टमर ने रिस्पॉन्स करा, ठीक है, रिस्पॉन्स किया नहीं किया सबकी एंट्री कर दी, हाँ एंट्री, मतलब 5 कस्टमर एंट्री कर दी, एक नॉर्मल मैं चाह रहा हूँ उसमें ठीक है, वो लीड्स में मतलब जैसे रिमार्क में डालता हूँ कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड, या कस्टमर इंटरेस्टेड, कस्टमर आस्क फॉर कंपनी प्रोफाइल, सम कस्टमर आस्क फॉर द क्वेरी, सम कस्टमर आस्क फॉर द लीड, इस तरह से वो मैं बनाना चाहता हूँ, उसमें जो मेरे डेटा पे, मेरे एग्जिस्टिंग डेटा पे जब वो कोई कॉल कर रहा है, ठीक है, उसमें जो क्वेरी खड़ी हो रही है उसको हम कैसे इंटरलिंक करेंगे, ये तो जैसे एक नई लीड आई उसको उसने अपडेट करा, अब मैं अगर जैसे मेरा सपोज मेरे ऑलरेडी बिजी में 100 कस्टमर लोडेड है, मैं उन पर फॉलो अप कॉल करना चाहता हूँ, वो कैसे होंगी, डेटा डेटा स्पोर्ट की बात है बेसिकली, कि डेटा मेरा अब मेरे 50 एक्शन आज आए, ठीक है 25 एक्शन ले लिया, 25 ओपन रहेगा, उस पर कोई ऑप्शन नहीं हुआ, सपोज दैट 15 दिन का लॉकडाउन हो गया, अब 15 दिन बाद मैं आऊँ तो मुझे बिजी ऑटोमेटेड कैसे दिखाएगा कि आपका ये अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, एक्शन इस पर रिक्वायर्ड है। देखो मैं बता देता हूँ, अभी सपोज मैं इसका ना कोटेशन का वो वाउचर हटा देता हूँ, जो मैंने रिपोर्ट डाली ना रिपोर्ट, तो रिपोर्ट मुझे मैनुअली एक्सट्रैक्ट करनी पड़ेगी हमेशा ना, नहीं 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 सर, वो एक अलग काम है मेरा, कस्टमाइज करके दूंगा आपके मेल पे, ऑटोमेटिक एक पीडीएफ भेजेगा बिजी। क्यों तरीके का होता है कि क्यों मैं केसेस दिखाते रहते, इतने केसेस अभी भी ओपन है, कहीं साइड में क्लिक होता रहता है कुछ इस तरीके का, वो दिखा देगा सर, वो बिलिंग भी करता रहेगा, बिलिंग भी करता रहेगा, जो ओनर होते हैं ना, जो मैनेजमेंट के जो सीनियर पर्सन होते हैं जिनको रिपोर्टिंग जानी चाहिए, सपोज करो मैंने अभी कोटेशन की रिपोर्ट क्लोज नहीं करी और ना ही मैंने कोटेशन भेजी, तो आपकी कॉल तो आ गई, आपकी पेंडिंग कॉल दिखाएगा, ये देखो सर, सर जी मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ऑल कॉल बॉट कॉल, ठीक
ठीक है, ये आ गई क्लोज, ओके। अब होल्ड पे रहना, मैं भी दिखा देता हूँ उसको। इस तरीके से कॉल दिखाएगा सर, ये कॉल पेंडिंग है ना, ये कॉल दिखा रहा है ना अभी पेंडिंग। अभी मैं आपको उतनी उसी डेट का दिखाता हूँ डेटा, जो डेटा हमें चाहिए। अभी मैंने डाला था आज की डेट में एंट्री डाला, तो मुझे आज का ही देखना है, क्योंकि तो मैं पूरा देख रहा हूँ, तो इसलिए वो पूरी कंप्लीट रिपोर्ट निकाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, रिप्रेस कॉल, देखो सिंगल कॉल दिखा रहा है। अब इस कॉल के अंदर पूरा स्टेटस अवेलेबल है, देखो पूरी डिटेल आ जाएगी। अब इसके अंदर वो सारे कॉलम ऐड हो जाएंगे। अगर कोटेशन वाला भी कॉलम आपको इधर ही चाहिए, तो हम आपको एक रिपोर्ट दे देंगे कि इस कस्टमर ने कोटेशन मांगी थी, उसको कोटेशन नहीं मिली, कॉल कंप्लीट नहीं है। बेसिकली उसका स्टेटस पूरा कंप्लीट यहाँ पे आ जाएगा कि कॉल पेंडिंग है। अगर वो कॉल क्लियर होगी तो ये ग्रीन में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। हाँ, तो इसके देखो ये कलर दिख रहा है ना, कलर हमने ओपन एलोकेटेड दिखाया हुआ है कि ये कलर अभी एलोकेटेड के लिए पड़ा है, खाली अभी एलोकेट हुआ है अमित राठौर को, मगर इस पे क्लोज का कोई स्टेटस नहीं डाला, इसलिए कोई क्लोज नहीं है कॉल। अब जैसे ही क्लोज का स्टेटस तो रहेगा, क्लोज का मतलब हुआ कि कॉल आई है बट अभी किसी को वो एलोकेट नहीं हुई है काम करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल इस कंडीशन में ये वर्क करेगा। ठीक है, अब आपकी और क्या रिक्वायरमेंट है वो बता दीजिए, जो रिक्वायरमेंट बिजी में नहीं है मैं उसको कस्टमाइज कर दूंगा, देन वो आपको पर डे के हिसाब से रिपोर्ट भेजेगी। अब जैसे ये मैंने रिपोर्ट निकाली, एक रिपोर्ट निकलती है इसमें बहुत कॉल रजिस्टर निकलता है, तो वो रजिस्टर डेली बेसिस पे मैं आपको मेल भी कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली मेल बिजी भेजेगा, आपको कुछ नहीं करना ना आपके स्टाफ को। उसके लिए क्या करना है, पहले तो मुझे एक पूरा प्रोसेस बनाना होगा कि मेरा प्रोसेस चलेगा कैसे, राइट? जब वो प्रोसेस मतलब बिजी पे कैसे चलेगा प्रोसेस, मुझे मेरा पता है उसको पेपर पे मुझे नोट करना पड़ेगा कि मैं कैसे चलाऊंगा, मुझे क्या क्या चीजें चाहिए, तभी मैं आपको ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, क्योंकि जबानी चार चीजें करूंगा चार भूल जाऊंगा, इससे अच्छा कि मैं अपना पूरा प्रोसेस देख के पेपर पे हम अपना फिर आपको हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो हम आपको सारी मेल कर देते हैं। फिलहाल हम ये तो ले ही रहे हैं आपसे, ठीक है सर? ठीक है, ये हमें दे दो, हम आपको रिक्वायरमेंट लिख के दे देते हैं कि हमको क्या क्या चाहिए होगा करंट में और फ्यूचर में। ठीक है जी, ओके। करंट फ्यूचर में करने के बाद में हम क्या करेंगे कि आपको मेल ड्राफ्ट करके भेज देंगे कि ये चीजें चाहिए, अगर ये इसके अंदर एग्जिस्टिंग है तो आप बता देना कि ये चीजें यहाँ से हो जाएंगी, अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो आप कस्टमाइज कर देना, वो आप हमको कस्टमाइज कर कोई बता देना कैसे फिक्स करना है। अच्छा सर, ये अभी जो हमने जो वर्जन दिया हुआ है इससे पहले ईवीडी का आता था, अभी अपने आप खत्म हो गया है, एक दिन आपने ऐसे दो लड़के मिले कह रहे थे 3,500 रुपए लगेंगे। कहाँ से? हमारे यहाँ से। हाँ, लड़कों का नाम बताइए, मैं नोट करके बताऊंगा, मेरे पास उस पर शायद मैसेज व्हाट्सएप पड़ा है, चेक करके बताऊंगा। हमारा ईवे बिल का खत्म हो गया था, तो वो कहता था कि सर इसका अपडेट थोड़ा सा इसमें आया है, नया वर्जन आया है, वो अपडेट कर लीजिए। तो हमें एक दो चीज दिक्कत आ रही थी, इनवॉइस हमारा जो है ना कॉन्फिगर आज तक एक्चुअली आपके यहाँ से हमने करवाया नहीं, हमने खुद ही कर लिया था, थोड़ा बहुत आता था, तो हमारे इनवॉइस में कुछ कॉन्फिगरेशन में हमें प्रॉब्लम आ रही थी, टैक्स का जो सेक्शन था उसमें, तो कह रहा था सर वो सब है ना इनवॉइस डिजाइन का पैसा लगेगा और अपडेट रेट वर्जन का भी पैसा लगेगा, टोटल इसी को 3,500 रुपए का। मुझे बता देंगे अगर मेरे यहाँ से स्टाफ गया, मेरी नॉलेज में आपका केस नहीं है कौन सा है, और एएस टेक्नोलॉजी से ये काम करने के लिए रिक्वायरमेंट आई है, अभी मेरी नॉलेज में नहीं है, मैं चेक कर लूंगा। अब पर्सन का नाम अगर बता दें मैं एग्जैक्ट बता दूंगा क्या है। कभी भी मेरे पास नॉर्मल सेल्स कॉल आई थी, नॉर्मल कॉल आई थी कि अगर आपका पहले तो मैंने कोई आपके इंक्वायरी जनरेट की थी एक्चुअली फर्दर वर्जन के लिए, जैसे आप सीआरएम के लिए किया है वैसे ही किया था पहले, तो लड़का से ठीक नहीं है, वो समझना पड़ेगा मुझे क्या है। हाँ, वो मुझे भी तुरंत समझ में आ गया, मैं आउट ऑफ स्टेशन में था, मैंने कहा नहीं यार ऐसा आइडियली होना नहीं चाहिए, मेरा इनवॉइस का पेज ठीक से नहीं
नहीं आ रहा है, मैं उसके लिए सिर्फ सपोर्ट मांग रहा हूँ। तो लड़का कह रहा है आप पेटेंट ओरिजिनल दो। आप अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं इसका कोई चार्ज नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं, मैं डेमो दिखा रहा हूँ ना, इस तरीके से हमारी सारी चीजें फ्री होती है, कोई पैसे नहीं लेते। नहीं, मुझे पता है आपके यहाँ से पहले भी हमें जब दिक्कत आई है तो हम आपके यहाँ फोन करते हैं और वो फोन पे ही हमसे एनी डेस्क वगैरह से करके और वो सॉर्ट आउट कर दिया है। 99% सॉर्ट आउट कर दिया, ये सिर्फ एक बार इशू आया। तब मैं आप मैंने सोचा देखो आप भी आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन हाईलाइट करना जरूरी है ना चीज, इसलिए मैंने आपको थोड़ा बता दिया क्योंकि पहले भी सपोर्ट लिया, पहले कभी दिक्कत नहीं आई है, ये फर्स्ट टाइम आई तो मैंने आपको बता दिया कि होली के आसपास की बात है। डिटेल डालना एक बार, मैं चेक करके उसको रिप्लाई करूंगा, मैं निकाल दूंगा। है एक चीज और पूछनी थी आपसे, हां बताइए सर। जैसे मैंने एक बार जोहो में देखा था, जोहो में क्या होता था कि मैं ऐसे ऑनलाइन चेक कर रहा था, तो वो लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे ये बिजी हमारा है इसमें अकाउंट को लिंक कर देते हैं हमारा, जैसे हम ट्रेडिंग अकाउंट जो है हमारा वो अकाउंट, तो वो मतलब बीटी के थ्रू ऐसा हो सकता है कि हम कस्टमर को पेमेंट कर ले और रिमार्क लिख ले वो हमारे बैंक स्टेटमेंट में शो हो जाए। वो हम आपके बैंक की एपीआई इंटीग्रेट कर देते हैं बिजी में, जो जैसे जो चाहता है हम आपके सॉफ्टवेयर से लिंक कर देते हैं पेमेंट गेटवे, जो आपका बैंक होता है वहाँ से पेमेंट गेटवे आपको लेना पड़ता है, तो उस हिसाब से मैं उसको कर सकता हूँ। तो मतलब जो भी पेमेंट होगी हम बिजी से करेंगे, उसमें एंट्री डाल देंगे। हाँ जी, तो उससे बिजी से ही हम स्टेटमेंट निकालेंगे तो सारे बैंक के स्टेटमेंट का ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा, जो भी काम आपका पैसा आया करेगा। कस्टमर कोडिंग वाइज मैं दिखा देता हूँ आपको, एक बार दिखा दीजिए। हमारे बिजी में ये फीचर आ गया है कि आप अपने देखो ये है ना बैंक का, ये डिटेल यहाँ से टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, मास्टरी के अंदर एक चीज ओपन हो जाती है जो पहले नहीं आती थी। सपोज करो मेरा कोई कस्टमर है, ठीक है, ये कस्टमर है, इस कस्टमर की डिटेल यहाँ पे डल जाएगी, कस्टमर का बेनिफिशियरी नेम, बैंक अकाउंट, ये इससे ये फिर रीड करेगा बैंक, ठीक है। अब आपके किसी कस्टमर से पैसा इसी बैंक से आता है तो फिर इसी बैंक से इंटीग्रेटेड होना चाहिए और उसी बैंक से पैसा भेजेगा, ये मैंडेटरी होता फिर, ठीक है। अगर आपका कस्टमर ये है यार, इस कस्टमर से आपको 1,00,000 रुपए लेने हैं और उसने 50,000 का आपको एनईएफटी कर दिया, तो आपको बिजी में एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, बैंक से अपना आप खींच लेता है बिजी एंट्री। अच्छा, हाँ, ऑटो सिंक उसे बोलते हैं, एपीआई इंटीग्रेशन मैं कर भी रहा हूँ। देखो मेरे पास किसी का मेल आया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ, आईसीआई बैंक का मेरे पास आ चुका है, आईसीआई बैंक एपीआई इंटीग्रेशन के लिए मैंने मेल किया था, कुणाल मिस्टर कुणाल है जिन्होंने मेरे को मेल भेजा और एक एपीआई का डॉक्यूमेंट भेजा है, और ये मैं उसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, इस पर मेरा काम चल रहा है। तो ये फुल फॉर्म में आते हुए कितना टाइम लग जाएगा आपको? सर ये फुल फॉर्म में आने के लिए मुझे कम से कम 5-6 दिन चाहिए होते हैं इसका, किसी भी एपीआई को इंटीग्रेट करने के लिए। और ये देखो सारी चीजें हमारी डिस्कशन हो गया, क्लियर हो गया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआई बैंक हम दोनों का कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास इन दोनों के चल रहे हैं रनिंग में, एक का तो हम कर चुके हैं, आईसीआई बैंक का कर चुके हैं, एचडीएफसी बैंक का करना है, तो जिस जिस बैंक बैंक से आपको एपीआई मिल जाती है हम उसके उसको कर सकते हैं इंटीग्रेट। मैं ना आपको जोहो का वो वीडियो शेयर करूंगा जहाँ पे बता रहा है कि कैसे, जोहो में दिखा रहा था कि अपने अकाउंट को जैसे आपके में क्या मैंडेटरी है कि कस्टमर का अकाउंट डिटेल हमें अपडेट करना है। सर कुछ ना कुछ जोहो में भी कुछ ना कुछ होगा, देखो बिना कोडिंग के किसी भी चीज को रीड करना पॉसिबल नहीं है। नहीं, मैं जो मैंने समझा है वो अभी नहीं, आप रिलैक्स हो ना, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। हाँ, वो वीडियो आप देखना और उस वीडियो में जो मैं कहना चाह रहा हूँ शायद आप क्लियर हो जाएगा, आपका भी क्लियर है मुझे। ये उन कस्टमर जिनसे हम रेगुलर ट्रेड कर रहे हैं उनका तो ठीक है, ये मेरा एक रेगुलर कस्टमर सपोज सैमसंग है, उससे मुझे रेगुलर मेरा बिजनेस रहता है, लेकिन सम टाइम वन टाइम पे वन शॉट कस्टमर्स होते हैं, एक बार लेंगे फिर 6 महीने तक नहीं लेंगे, हो सकता है 6वें महीने ले भी तो किसी और जगह कैश पेमेंट कर दें या हो सकता है किसी और बैंक से पेमेंट कर दें, तो उस टाइप के कस्टमर के लिए फिर क्रिटिकल हो जाएगा इसमें, ठीक है। एनीवेज वो तो बात की बात है, अभी फिर आप मुझे सीआरएम कैसे एक्टिवेट करोगे मेरा? आपका सीआरएम किस तरीके से मैं एक्टिवेट करूंगा, सबसे पहले आपका बिजी का सीरियल नंबर मुझे व्हाट्सएप करिएगा। सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, सीआरएम के साथ ही मुझे इसमें सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए। सैलरी मैनेजमेंट सिस्टम भी मिल जाएगा आपको, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर आप अपग्रेड करा रहे हैं उसके अंदर पेरोल आपको मिल रहा है। अभी जो मेरे पास है उसमें शायद पेरोल नहीं है, सॉफ्टवेयर में मैं कन्वर्जन करा रहा हूँ आपका उसमें पेरोल अवेलेबल है। अच्छा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जब हमें CRM लेंगे। मैंने सर को बताया था कि जब मैं आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करूंगा तो आपको ये फीचर्स मिल जाएंगे, ये फीचर मिलेंगे, पेरोल मिलेगा, इंक्वायरी मैनेजमेंट मिलेगा, इंडेंट मैनेजमेंट मिल जाएगा, मास्टर सीरीज, वाउचर अप्रूवल,
ईमेल, एसएमएस, क्वेरी, ब्रांच, मल्टी ब्रांच, टेस्ट कैटेगरी वगैरह ये सब मिल जाएंगी, वेब रिपोर्टिंग मिलेगी, ये सारे फीचर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, इंटरप्राइज में, ठीक है ठीक है। एक्चुअल में आप इसमें आप अपग्रेड हो रहे हैं ना, ऑल फीचर सॉफ्टवेयर है ये बिजी का, जिसमें ऑल फीचर अवेलेबल होते हैं, इसके अंदर आप माइग्रेट हो रहे हो, उसमें क्या सारी चीजें आपको जो जो बिजी में होती है वो सब मिल जाएंगी। हाँ, हमने शुरू में स्टैंडर्ड लिया था, बेसिक में लिया था, जानबूझ के स्टैंडर्ड ही लिया था। हाँ जी, हाँ जी, चला लिया था, 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 इंटरप्राइज में कर लेते हैं आप मेरे को व्हाट्सएप कीजिए डिटेल, मैं फिर देन आपके पास कॉल करके उसको अपग्रेड करा देता हूँ। क्या क्या है सर आपके पास, चार्जेस बताना सर। चार्जेस सर सीरियल नंबर एक बार भेजो, एग्जैक्ट प्राइस में तभी बता पाऊंगा, मैंने उनको अप्रोक्सीमेट बता दिया था। मैं सीरियल नंबर आप दो मिनट में बता देता हूँ। हाँ, सीरियल नंबर है मेरा 180 92074। वन सेकेंड सर, आप रुकिएगा, मैं आपको लाइव ही दिखा देता हूँ क्योंकि उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपकी। सीरियल नंबर बताएंगे आप अपना? 180 920 9207474। आपका तो सर कम ही आएगा, 5400 प्लस टैक्स आ रहा है। हाँ? 5400 प्लस टैक्स में अपग्रेड हो जाएगा आपका। मेरा? अच्छा। हाँ, हमने कुछ 9 पता नहीं 9-10 हज़ार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 12600 प्लस टैक्स का, 11-12 हज़ार में लिया था पहले, तो 5400 प्लस टैक्स आपका आएगा अमाउंट इसका सॉफ्टवेयर का, और ये अपग्रेड हो जाएगा आपका एंटरप्राइज में, दोनों फीचर आ जाएंगे। सर ये तो कंपनी को देने ना पैसे, आपने ऊपर से मुझे इम्प्लीमेंटेशन का क्या देना, वो तो आपने देखना है। चलो इसको अपग्रेड कर दो आप, ये तो पैसे कंपनी सीआरएम से कुछ करते हैं अपना बैठ के। देखो इसमें से हमारे ना, ये इसमें ब्यूसी पड़ी हुई है, एक ब्यूसी 900 रुपए की होती है, तो ये कट जाएगी यहाँ से ऑटोमेटिक, 6 ब्यूसी कट रही है आपकी, तो पैसे हमारे कट जाएंगे पोर्टल से। ब्यूसी क्या होता है? ये हमारी बीजी की लैंग्वेज में करेंसी होती है, अगर 900 रुपए जैसे पर डॉलर सिस्टम होता है वैसे करेंसी खरीदते हैं हम लोग, और उसके हिसाब से अपग्रेड चलता है। अभी हमको क्या करना है ये बताइए। आपको कुछ नहीं करना, अपनी जीएसटी की डिटेल भेजनी और सीरियल नंबर व्हाट्सएप करना, मैं आपको अपग्रेड कर देता हूँ। अपग्रेड करके फिर बिल बना के भेज देंगे। हाँ जी। अच्छा, मुझे एक चीज आप बता रहे थे कि जब ये अपडेट हो जाएगा तो आप कोई भी पर्सन अपने मोबाइल पे बीटी वो सीआरएम डाउनलोड कर लेगा। सीआरएम की आपको एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, मैंने बताया ना आपको, जो एप्लीकेशन अभी है बिजी की, बिजी में कॉल मैनेजमेंट का सिस्टम भी है, मैं दिखा देता हूँ, ये लो एक सेकेंड, मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, बिजी सॉफ्टवेयर, इसके अंदर जो सिस्टम है इसमें भी कॉल का एक देख लेता हूँ मैं, कॉल भी आ गया क्या, शायद कॉल का भी होना चाहिए। ऑर्डर रिसीप्ट, अभी इसमें ऑर्डर रिसीप्ट है, बिजी की जो फ्री एप्लीकेशन है ना सर, उसमें भी ऑर्डर रिसीप्ट आया, कॉल का आया नहीं, कॉल का आएगा फ्यूचर में, मगर जो कॉल वाली एप्लीकेशन है वो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, मैं बता देता हूँ क्या है। अरे मैं सर क्या कहना चाहता हूँ, हाँ। कि जैसे हम सिस्टम अपग्रेड करवाएंगे, अब जो हमारे पास एग्जिस्टिंग डेटा है, हाँ, या हमारे पास कुछ जो पुराना डेटा है, मान लीजिए अब ये तो एक ही सिस्टम पर चल सकता है, ये वाला बिजी, हर बंदा तो चला नहीं सकता अपने सिस्टम पे। हाँ जी, हाँ जी, तो मैं चाहता हूँ कि अब वो सीआरएम डेटा जो अपडेट करेगा मेरा और कोई स्टाफ, वो कैसे कर पाएगा सर? मोबाइल ऐप ये वाली खरीदनी पड़ेगी ना आपको, ये जितने यूजर आप लोगे ये एप्लीकेशन पेड होती है, ये खरीद लो आप, ये ऑल ओवर इंडिया चलती है बिजी के लिए, इसमें कितने की आती है सर? सर मैं इसका बता देता हूँ देख करके क्या है इसका, 2500। ये मोबाइल से ही चलेगी या सिस्टम से भी कर सकता है वो? ये वेब बेस भी होती है, सिस्टम से भी कर सकता है। हाँ, मतलब वो कल को अपने अपने फोन करा रहा है और अपने सिस्टम पे अपडेट करता जा रहा है। हाँ, और वो मेरे मेरे जो बिजी, जो मेरा बिजी का सीरियल नंबर है उस पर अपडेट होता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये हो सकता है सर, इसमें सीआरएम है, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरा एक दूसरा सिस्टम है, ये सिस्टम तो ऑफिस पर है, तो मैं घर पे बैठा अपना वहाँ पे सारा डेटा अपडेट कर दूँ।
घर पे बैठ के भी कर सकते हो, घर पे बैठ के करोगे भी क्लाउड चलाना पड़ेगा फिर आपको, आपका डेटा क्लाउड पे डलेगा। क्लाउड से फिर बिजली पे आएगा। दिखा देता हूँ क्लाउड कैसे चलता है, एक सेकंड में क्लाउड दिखाता हूँ आपको। डेटा क्लाउड पे है, क्लाउड। हाँ ये क्लाउड चल रहा है जी, ये 24/7 क्लाउड चलता रहता है, इस तरीके से आप बिजली यूज करेंगे। इसमें का 24/7 मोबाइल वाले और आपके कोई भी पर्सन ऑनलाइन काम कर सकते हैं, आपकी मतलब कोई परेशानी नहीं आएगी। आप ऑफिस में हैं, ऑफिस बंद है, नहीं है, क्या है, सब कुछ चलता रहता है। ये सिस्टम है सर, यहाँ से मैं ऑनलाइन जो भी करना होता है मैं यहाँ से कर लेता हूँ। मेरा पॉइंट ये है कि मेरे ये सब चीजें बिजी की ना ओपन हो उसके पास, उसके पास जो PRM ओपन हो मेरे कोई एग्जीक्यूटिव के पास, वो उस पर अकाउंट क्रिएट करे या एग्जिस्टिंग अकाउंट्स में मेरे वो सर्च करे AYZ कंपनी कोई, तो हाँ भाई ये कंपनी एग्जिस्टिंग है इससे ये बात हुई, ये अपडेट करके वो छोड़ दे, फिर वो मेरे पास मेरे सिस्टम में अपडेट हो जाए। मोबाइल ऐप डालनी पड़ेगी, मोबाइल ऐप में करे या वो वेब पे अपने सिस्टम पे करे, वो चीज मेरे पास आती रहे मेरे मोबाइल ऐप। तो उसके लिए और हमें कितना एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा सर? पर यूजर 2500 रुपये साल का खर्चा मानो, अभी मैं उसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मुझे एग्जैक्ट प्राइस वो बताओगे नंबर ऑफ यूजर, ठीक है ना। 2500 रुपये का एक यूजर होता है एक मोबाइल के लिए। अब उसमें अगर 5 यूजर है उसमें कुछ कम होगा क्या होगा वो मैं पूछ के बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे को नॉलेज में 2500+ टैक्स की। देखिए अब मान लीजिए आज हमने ऑफिस खोला है, आज हमने बिजी को अपग्रेड भी कर लिया, अब हम रोज ये सिस्टम तो लेना नहीं सकते, अब हमें अपने घर पे काम करना है फॉर एग्जाम्पल, या मेरे किसी स्टाफ को करना है 2 या 3 लोग को, तो वो अपना अपना घर पे बैठे डेटा अपडेट करते रहो, मेरे मेन कोर सर्वर सिस्टम में वो डेटा अपडेट होता जाए, हमारे सेल्स के बंदे रोज ऑफिस तो आएंगे नहीं सर। मैं समझ गया ना, तो फिर एप्लीकेशन ले लो ना, 2500 रुपये पर साल ईयर के हिसाब से एक यूजर का चार्ज होता है। नहीं, ये एप्लीकेशन मोबाइल में ही वर्क करेगी या लैपटॉप पे भी करेगी? फिर मेरा क्वेश्चन ये आता है, एक सेकंड रुक जाओ एप्लीकेशन देख लेता हूँ इसका, सर डेस्कटॉप वर्जन भी आया मेरे पास। सर ये डेस्कटॉप वर्जन भी है इसका, इस पे ये काम कर रहा है ना सर ये? हाँ सर काम कर रहा है, मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, काम कर रहा है ना सर। तो ये रहा ना यूजर मैनुअल दे देता हूँ आपको। हाँ जी यूजर मैनुअल दे देता हूँ इसका, काम कर रहा है सर डेस्कटॉप पे काम कर रहा है प्रॉपर। ठीक है तो अब आपको क्या क्या भेजना होगा ये बताइए मुझे, आप डिटेल भेजिए, GST डिटेल और सीरियल नंबर मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं इसको अपग्रेड करता हूँ, और इसका मैं अभी आपको इसका भी कोटेशन बना के भेज रहा हूँ। ठीक है मैं भेजता हूँ, ठीक है ना। सीरियल नंबर और क्या देना आपको? सीरियल नंबर और GST डिटेल, जो GST का इनवॉइस आपका होगा। जीजी का सीरियल नंबर और GST डिटेल मैं देखता हूँ। हाँ जी हाँ जी, मेल कर दीजिए मेरे को मेरे मेल आईडी पे, आपको मेल आईडी मेरा मिल चुका है। ठीक है हाँ उसको भेज दीजिए आप। ठीक है जी, थैंक यू।